आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 अंडे। अंडों को पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये देखिए, इन अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेना। अब इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरे पास पीसी हुई चीनी नहीं थी, तो फेंटते फेंटते चीनी भी पिघल जाएगी, इसलिए मैंने अब भी चीनी ऐड कर दी है। इसे अब हम लगातार चलाते रहेंगे। फेंटते फेंटते अंडों का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मेरी बेटी को चॉकलेट केक बहुत पसंद है और वो 4 साल की है। जब मैं केक बनाती हूँ तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी मेरे से आप केक बनाना चाहती है। तो हम दोनों मिलकर हमेशा केक ही बनाते हैं। अब ये देखिए, मैं अपनी बेटी से बात करते जा रही हूँ और इसे फेंटते जा रही हूँ। मेरा केक का बैटर अब बनने वाला है। अंडा का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया, इसमें मैंने ऑयल और बटर ऐड कर दिया। बटर को पहले पिघला लीजिएगा फिर डालिएगा, क्योंकि अगर बटर सख्त होगा तो अच्छे से पिघलेगा। अब इसे अच्छी तरीके से फिर से फेंटना पड़ेगा। इस टाइम मेरे हाथ में दर्द होने लगा था इसे फेंटते फेंटते, क्योंकि इसे फेंटना में बहुत टाइम लग जाता है। बीच बीच में मेरी बेटी बोल रही थी मैं कर देती हूँ, और एक दो बार तो वो भी चला रही थी इसे। अब हमारा केक का मिक्सचर रेडी हो गया है। जब आप भी बनाएं तो जब केक का मिक्सचर इस तरह से लाइट और फ्लफी दिखने लगे, तब आप समझिए कि अंडा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब जब एक बार अंडा मिक्स हो जाए तो हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया मैदा, और मैदा में मैंने डाला है बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच। एक चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग पाउडर डाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरी बेटी ज़बरदस्ती और 1 चम्मच ऐड करिए तो और डलवा दी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, और जब ये अच्छा से मिक्स हो जाए तो हम इसे अंडों में मिलाते जाएंगे। आप सब भी बताइएगा मुझे ये केक कैसा लगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम इसे अंडे के साथ फेंटते हैं। इसमें मैंने वेनिला एसेंस भी डाला है। ये देखिए, अब हम इसे धीरे धीरे मिलाते जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है चॉकलेट का। मुझे तो इसी टाइम में लग रहा था कि मैं इसे खा जाऊं। मेरी बेटी बोल भी रही थी कि मम्मी मुझे थोड़ा सा खाना है। अब इसे मैं मोल्ड पे डालूंगी। ये केक मैं
एयर फ्रायर में बना रहे हो, आप चाहे तो इसे चूल्हे पे भी बना सकते हैं। मैंने एयर फ्रायर को 200 डिग्री में प्री हीट कर लिया था और अब मैं इस पे अपना केक का बैटर डालती हूँ। ये रहा मेरा केक का बैटर, अब ये जा रहा है अंदर। ये केक बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में ये केक बन के रेडी हो जाएगा। मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, 180 डिग्री में 13 मिनट्स के लिए डाले, और ये देखिए मेरा केक बन के पूरा रेडी हो गया है। पर मेक श्योर कि आप इसे टूथपिक से चेक कर ले, जब हम टूथपिक बीच में डालेंगे तो हमारा टूथपिक क्लीन आना चाहिए। अगर इसमें इंग्रेडिएंट लग रहे हैं मतलब केक नहीं पका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडे होने के लिए। देखिए अभी ये गर्म था, अब ये थोड़ी देर में जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक बना है, बिल्कुल स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ था। आप सब भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और अपने घर पे बना के देखिए, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये केक का रेसिपी आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।